अच्छा दोस्तों, कुछ और प्रोडक्ट आपसे शेयर करता चलूँ। टॉप की मेडिसिन है ये वर्सिलागा और वीटा फार्म, जो कि इस वक्त बहुत ज़्यादा रनिंग में है, दोस्त बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सोलोमन डी ब्रीडर थोड़ी सी कास्टली प्रोडक्ट है, लेकिन जब ऐसा शौकीन जिनको लगता है कि यार मेरे बाल अब ब्रीड पे नहीं आ रहे, तो लास्ट के ऑप्शन के तौर पे वो सोलोमन डी ब्रीडर यूज़ करते हैं। तो सोलोमन डी ब्रीडर आपको मिल जाएगी, लूज़ में अवेलेबल है। इसके अलावा इन्हीं की ये बेसिकली है कैल्शियम, विटामिन, मिनरल्स। इसी तरह इसमें कैल्शियम नहीं है, लेकिन बाकी सारी चीज़ें हैं। ये बेसिकली है हाई सोर्स ऑफ कैल्शियम, डी न्यूट्रिकल। इसमें विटामिन और मिनरल भी है, लेकिन ज़्यादातर ये कैल्शियम का सोर्स है। पाउडर फॉर्म में है, ये भी आपको लूज फॉर्म में मिल जाएगा। अच्छा, ये 30 रुपये ग्राम मिलेगी आपको, और ये मिलेगी 10 रुपये ग्राम। और उसके अलावा सीप के लिए, जहाँ पे बायर को सीप का इशू आता है, वीटा फार्म का स्पार्क अवेलेबल है, ये भी आपको लूज़ में मिल जाएगा 15 रुपये पर ml। वीटा फार्म की एक और प्रोडक्ट स्कैट, जहाँ पे आपके बायर को जुओं का मसला आ रहा है, जहाँ पे खारिज वगैरह कर रहे हैं बायर, जहाँ पे माइट्स का इशू आ रहा है, वहाँ पे हम स्कैट यूज़ करते हैं, ये आपको मिल जाएगा। इसके अलावा रोनीविट एस, बहुत ही आउटस्टैंडिंग मेडिसिन है ये कैंकर के लिए, जहाँ पे बर्ड के गले में इन्फेक्शन हो जाता है, फंगस लग जाती है। आपने देखा होगा बर्ड अक्सर आवाज़ निकाल रहा होता है, और उसके ना मैदे में भी फंगस लग जाती है। बेसिकली फंगस के लिए है ये, कैंकर के लिए है। आमतौर पे बर्ड आवाज़ देखा होगा, मैं बताता हूँ किस तरह करता है आवाज़। ये देखें, इस तरह गर्दन लाता है और ये आवाज़ आती है, उसमें ये चलती है। और आमतौर पर जब मौसम चेंज होता है तो जितने भी अच्छे ब्रीडर हैं वो इसको यूज़ करवाते हैं, बहुत आउटस्टैंडिंग रिज़ल्ट है। इसी तरह वीटा फार्म की ट्रिपल सी बहुत अच्छा रिज़ल्ट है इसका। एंटीबायोटिक के तौर पे यूज़ होते हैं, जहाँ पे मोशन आ रहा है, जहाँ पे सीने का सांस का मसला यूज़ हो रहा है वहाँ पे ट्रिपल सी यूज़ करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट वन जो प्रोडक्ट है वो प्राइम है। प्राइम की बड़ी पैकिंग मिल जाएगी आपको 5000 रुपये की 350 ग्राम, और छोटी पैकिंग मिलेगी आपको 1300 रुपये की 30 ग्राम। ये बहुत अच्छी प्रोडक्ट है रिगार्डिंग ब्रीड के, हैरी वालों की है ये, हैगन की। इसके अलावा एक प्रोडक्ट अभी मैंने आपको बताई है स्कैट ही की तरह एक आती है इंडेक्टो, डेक वालों की। ये इसका काम भी सेम होता है, जुओं के लिए, माइट्स, वर्म वगैरह के लिए। ये आमतौर पे परिंदे की गर्दन पे डाला जाता है, गर्दन पे डालते हैं जिससे उसकी जुएं वगैरह ख़त्म हो जाती है, जैसे एक दो ड्रॉप यूज़ होते हैं। तो बहुत अच्छी प्रोडक्ट है ये मिल जाएगी आपको इंडेक्टो। इसके अलावा फर्टिविट फर्टिटी के लिए, ओमनीविट आपस में जोड़े लगाने के लिए, इसके अलावा कैल्शियम, कैल्सिलेक्स कैल्शियम की कमी के लिए, ये भी आपको लूज़ में मिल जाएंगी। नेक्स्ट वन जो प्रोडक्ट आती है वो है कार्स की एवी हर्ब। ये जहाँ पे आपके बर्ड का पेट ख़राब है, सीप लग गई है, मोशन लगे हुए हैं, उसके लिए इससे बेहतर मेडिसिन मैंने आज तक नहीं देखी जो इसकी ये एवी हर्ब है। तो ये आपको लूज़ में मिल जाएगी। और सेकंड वन लास्ट में जो है, अगर बर्ड आपका हीट पे नहीं आ रहा है तो वो वीट जरमाइल है, वीट जरमाइल भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी आपको लूज़ में मिल जाएगा। तो ये कुछ और मेडिसिन थी। नेक्स्ट हम आपको बताते हैं कि हैंड फीड कौन सी मार्केट में अवेलेबल है अच्छी। अच्छा दोस्तों, इसके साथ जो है ना हैंड फीड, क्योंकि अब सीज़न स्टार्ट हो रहा है तो हैंड फीड भी आपको मिल जाएगी येलो बर्ड पे। सिटाकस मेरी सबसे फेवरेट फीड है, क्योंकि इसका रिज़ल्ट और जो इसकी क्वालिटी है वो शायद इस वक्त पाकिस्तान में इससे अच्छी फीड अवेलेबल ना हो। सिटाकस 5 kg मिल जाएगा आपको 9000 रुपये का, ठीक है। इसके अलावा सिटाकस छोटे पैक केजी वाले भी अवेलेबल हैं, ये राव वगैरह के लिए है। इसके अलावा ये है छोटे बर्ड्स में, लबर्ड, एग्जीबिशन, कॉकटेल वगैरह, कनोल वगैरह के लिए चलते हैं। और ये है ग्रे के लिए, ग्रे के लिए हाई एनर्जी है और हाई प्रोटीन जो है वो राव वगैरह के लिए है। इसके अलावा केटी मिल जाएगी आपको, दोनों हाई फैट और लो फैट, ये भी अवेलेबल होती है। इसके अलावा जो फीड है वो है ट्रॉपिकन भी मिल जाएगी आपको, ठीक है। तो ये हैंड फीड अभी मार्केट में यही अवेलेबल है। हाँ, लोकल में एक और आती है, वो है ऑप्टीचो। लोकल में जितनी भी फीड आ रही है उनमें सबसे अच्छी यूज़ में और इकोनॉमिकल भी है, ये भी मिल जाएगी आपको। तो ये कुछ हैंड फीड थी जो मेरे पास अवेलेबल हैं। आपको अभी कुछ और चीज़ें भी आपको दिखाते हैं।
अच्छा दोस्तों, मैं सिर्फ एक चीज़ बताना भूल गया था जो अवेलेबल है मेरे पास, प्रोबायोटिक। प्रोबायोटिक आजकल बहुत कॉमनली यूज़ होता है और उसका थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। प्रोबायोटिक बेसिकली ज़िंदा जानदार होते हैं। ज़िंदा जानदार वो होते हैं जो कि आपके अंदर जिस्म में बीमारियों के ख़िलाफ़ लड़ते हैं। तो जब भी कोई बार आपका बीमार होता है उसमें आमतौर पर ऐसी बात है आपको एंटीबायोटिक यूज़ करवानी पड़ेगी, ताकि वो जो नुकसानदेह बैक्टीरिया जो नुकसान पहुँचा रहे हैं आपके बॉडी को, वो जाके एंटीबायोटिक उसको मारता है। लेकिन उसको वो फ़ायदेमंद बैक्टीरिया के साथ साथ वो नुकसानदेह बैक्टीरिया को भी मारता है। नुकसानदेह बैक्टीरिया को तो मारता है लेकिन साथ फ़ायदेमंद बैक्टीरिया को भी मार देता है। तो उससे बॉडी का जो इम्यूनिटी है वो डिस्टर्ब हो जाती है, बट कमज़ोर हो जाता है, सुस्त होकर बैठता है। तो जितने भी अच्छे ब्रीडर हैं वो उसके बाद एंटीबायोटिक के बाद एक कोर्स करवाते हैं प्रोबायोटिक का, ताकि बर्ड दोबारा से खड़ा हो जाए, ब्रीड पे आ जाए। तो उसके लिए वीटा फार्म का एक बहुत अच्छा आउटस्टैंडिंग प्रोबायोटिक है सनबायोटिक के नाम से। इसमें बेसिकली 9 प्रोबायोटिक हैं, इसके अलावा प्रीबायोटिक है और डाइजेस्टिव इंजाइम्स हैं। डाइजेस्टिव इंजाइम जो है वो बेसिकली पेट के निज़ाम को ठीक करते हैं, हाजमे को बेहतर करते हैं। तो ये भी आपको लूज फार्म में मिल जाएगा, बहुत अच्छी क्वालिटी में है ये, बहुत अच्छा ब्रांड है वीटा फार्म का, ये मिल जाएगा। इसके अलावा कुछ दोस्त प्रेफर करते हैं नेचुरल चीज़ें देने को, नेचुरल चीज़ें कोशिश करते हैं दे बर्ड को, तो उसके वाले से हमारे पास ये मुनिंगा पाउडर भी अवेलेबल है। हाफ के जी में है, पाव में है ये 150 ग्राम में, और ये जो है ये 75 ग्राम में। 180 रुपये, 350 रुपये मुख्तलिफ रेट हैं, लेकिन रीज़नेबल हैं, ह्यूमन ग्रेड। तो जो दोस्त सॉफ्ट फूड में अच्छा मल्टीविटामिन यूज़ करते हैं लेकिन वो चाहते हैं यार मल्टीविटामिन ना हो, मेडिसिन ना हो, हम नेचुरल चीज़ें दें, वो खुद भी सुहाने के पत्ते मोरिंगा पाउडर बना के यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पे अवेलेबल नहीं है उनके लिए ये अच्छी क्वालिटी में मोरिंगा पाउडर आपको मिल जाएगा। अब हम आपको दिखाते हैं जो मेरे पास कैट फूड अवेलेबल है वो आपको दिखाते हैं। अच्छा दोस्तों, मेरी कोशिश सिर्फ ये होती है कि जितने भी दोस्त पेट लवर हैं, बर्ड्स लवर हैं, उनको अगर कोई चीज़ लाहौर या कराची से मंगवानी पड़ती है फिर उसका फ़ायदा कोई नहीं है। तो मेरी कोशिश ये है कि मुल्तान में हर तरह की चीज़ मेरी एक शॉप पे अवेलेबल हो, जिससे आप मतलब परचेज़ कर सकते हैं मुल्तान में। तो इसीलिए जो शौकीन हजरात कैट एंड डॉग रखते हैं, कैट्स के हवाले से मैंने फीड ऐड की हुई, और वो ये फीड जो है वो है जो कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा चलती है, रिफ्लेक्स। तो कैट फीड के हवाले से रिफ्लेक्स आपको मिल जाएगी यहाँ पर। रिफ्लेक्स ये 1.5 kg वाला पैक है 1000 रुपये का, और ये किटन में है। आमतौर पे 6 माह की जो बिल्ली है वो किटन खाती है, और इसके अलावा जो उससे बड़ी एज की कैट है तो वो अडल्ट में आती है, अडल्ट खाती है। इसी तरह इसमें 3 kg का मिल जाएगा, 3 kg जो है वो मिलेगा आपको 1900 का। ये किटन है और ये अडल्ट है 3 kg का। इसमें एक आता है ये मल्टी कलर, मल्टी कलर में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, सिर्फ इसकी जो पीसीज होते हैं वो कलर में होते हैं साइकोलॉजिकली चेंज के लिए। तो ये मिल जाएगा आपको। इसके अलावा इसमें एक ब्रांड और आता है, वो है रिफ्लेक्स प्लस। ये इसमें है किटन 1.5 kg और ये है अडल्ट। अच्छा, इनमें डिफरेंस सिर्फ थोड़ा सा ये होता है, ये ज़रा प्योर क्वालिटी में है, अच्छी क्वालिटी में है विद प्रोबायोटिक, जिसकी अभी मैं बात कर रहा था प्रोबायोटिक, तो इसमें प्रोबायोटिक ऐड है। ये 1000 रुपये का है, ये 1100 रुपये का है। तो ये कैट फूड थी जो कि आपको मिल जाएगी, अगर कोई दोस्त कार्गो करके मंगवाना चाहते हैं तो वो भी हो जाएगा। अच्छा दोस्तों, बर्तन की बात करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश ये है कि बर्तन भी हर तरह की वैरायटी मिल जाए। पहले हम स्टार्ट करते हैं बड़े बर्ड से। बड़े बर्ड्स का आपको पता है बर्तन प्लास्टिक के बर्तन तो वो छोड़ते नहीं हैं, सारे खा जाते हैं। मिट्टी के बर्तन इस मौसम में हम लगा नहीं सकते, तो मिट्टी के बर्तन तो उसका अल्टरनेट क्या है? उसका अल्टरनेट आजकल जो कॉमनली चल रहा है वो है ये बाउल। बड़े बर्तन में ये सिरेमिक बाउल है, ये मिल जाएगा आपको 200 का। इसी तरह सॉफ्ट फूड के लिए ये आपको मिल जाएगा, ये सॉफ्ट फूड का 100 रुपीस का है। इसके साथ इसका ये रिंग भी है अवेलेबल, तो ये रिंग भी अगर चाहिए तो रिंग भी मिल जाएगा, ये रिंग के साथ है, ये मिल जाएगा इसका। इसके अलावा बड़े बर्ड में कुछ लोग चाहते हैं कि बाहर से लगाएं, तो उसमें ये एक पीस अवेलेबल है, ये 80 रुपये का अवेलेबल है, और ये थोड़ा सा बड़ा है ये उसमें अवेलेबल है, ये मिलेगा 180 रुपये का। इसी तरह ये हैंगिंग वाला बर्तन है,
जस्ट में, ये आपको 120 रुपीज़ का मिल जाएगा। एक ये साइज़ है, ये मिल जाएगा आपको 160 रुपीज़ का। एक इससे बड़ा साइज़ अवेलेबल है, वो भी मेरे पास शार्ट है, वो आ जाएगा, वो 200 रुपीज़ का है। और सबसे बड़ा साइज़ जो है वो ये अवेलेबल है, ये 250 रुपीज़ का है। ये थोड़ा सा हमने कट लगाया हुआ ताकि दाना इसमें से ईजीली निकल सके। तो ये है बड़े बर्थ्स के लिए बर्तन, ये मिल जाएंगे। इसी तरह बहुत सारे परिंदे जो हैं वो दाना ज़ाया करते हैं, उसके लिए हमारे पास ये ग्रिल वाला बर्तन अवेलेबल है, ये मिल जाएगा आपको। और ये उससे थोड़ा सा बड़ा है, ये आपको 70 रुपये का मिलेगा, ये भी 70 रुपये का मिलेगा। इसी तरह एक परिंदे जहाँ पे दाना ज़ाया करते हैं उनके लिए ये 25 रुपये का, थोड़ी सी हल्की क्वालिटी में, और ये फाइन क्वालिटी में ये 40 रुपये का है। ये दाना साफ़ करने वाले ग्रिल वाले बर्तन है, इसको ग्रिल वाले बर्तन कहते हैं, ये मिल जाएगा। ये सस्ते वाले बर्तन है, ये 15 रुपये का है, ये 25 रुपये का है। इसके अलावा पिजन वाले शौकीन जो हैं उनके लिए ये बेस्ट बर्तन है, क्योंकि सफाई आसानी होती है, ये मिल जाएगा। ये आजकल बड़ा इन है, क्योंकि सर्दियाँ होती हैं, सर्दियों में पानी कम यूज़ होता है, तो पिजन वाले दोस्त और दूसरे शौकीन जो हैं वो ये वाला सबसे छोटा वाला बर्तन यूज़ करते हैं। ये बड़ा साइज़ आपको मिल जाएगा। इसी तरह ये टब हैं, हैंगिंग वाले, ये टब मिल जाएंगे आपको 30 रुपये का, 50 रुपये का, ठीक है। ये 25 रुपये का है, बड़ा वाला जो है इसमें 50 रुपये का है। अच्छा, इसी तरह ये एक बर्तन है, बहुत फाइन क्वालिटी में, इम्पोर्टेड क्वालिटी में है, ये 50 रुपये का है। ये जिस तरह का मैंने कहा बड़े बड़े प्लास्टिक के बर्तन खा जाते हैं, तो प्लास्टिक में अगर चाहिए किसी भाई को तो ये मिल जाएंगे। इसका फ़ायदा ये है कि आप इसको तार में लगाएंगे, लगाने के बाद इसको कस देंगे। ये 130 रुपीस का है, और ये बड़े वाला है, ये 150 रुपीस का है, ये मिल जाएगा आपको। इसके अलावा ये बर्तन है गोल्ड, ये मिल जाएगा 40 रुपीस का। और सेम ये चीज़, ये आपको 25 रुपये का मिल जाएगा, वो फाइन प्लास्टिक में है, ये ज़रा मिक्स प्लास्टिक में, ये मिल जाएगा। ये केज में रखने वाला, ये 20 रुपये का, और ये भी 20 रुपये का है। अच्छा, इसके अलावा ये बटेर और चूज़ा ट्रे है, जहाँ पे कॉलोनी वगैरह में आपने यूज़ करना है वहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये मिल जाएगी 100 की, ये 120 रुपीज़ की है। और हाँ दोस्तों, ड्रिंकर जो दोस्त ड्रिंकर फीडर यूज़ करना चाह रहे हैं ताकि बर्ड दाना ज़ाया ना करें, तो ये फीडर अवेलेबल है, ये ड्रिंकर अवेलेबल है, 100 रुपीज़ के हैं ये। ये छोटा ड्रिंकर और ये छोटा फीडर, ये 40 रुपी और ये 35 रुपीज़ का है। इसी तरह ये फाइन क्वालिटी में ड्रिंकर, ये 40 रुपये का, ये 50 रुपये का है। ग्रिट वाले बर्तन, ग्रिट के लिए 15 रुपये का, 20 रुपये का, और ये 25 रुपये का है। ये सॉफ्ट फूड वगैरह के लिए जिन दोस्तों ने यूज़ करना है ये यूज़ कर सकते हैं। एक और आपको फीडर दिखाता हूँ मैं आपको दोस्तों। कुछ और बर्तन थे जिस तरह के, ये फीडर है, वो जो फीडर मैंने आपको दिखाए हैं वो बेसिकली आपको फिल करके एक ही मरतबा लगाना पड़ता है, मतलब बाहर से नहीं लगते, वो बाहर से लगा सकते हैं लेकिन उसको खोलना पड़ता है आपको। लेकिन इसका फ़ायदा ये कि इसको हटाना नहीं पड़ेगा आपको, आप इसको लगा सकते हैं, लगा के दाने के लिए स्पेशली, और आप इसको बाहर से इसमें आप दाना फिल कर सकते हैं। ये आपको मिल जाएगा, ये बेसिकली ये परिंदे के खाने की जगह है, यहाँ से आप दाना डालेंगे, और ये केज में ग्रिप करने के लिए ये बनाया हुआ इन्होंने। और ये 200 का है, ये मिल जाएगा आपको। इसी तरह अगर कॉलोनी के लिए आपको चाहिए पानी या दाने के लिए, तो ये डिस्पेंसर है, वाटर डिस्पेंसर फीडर है ये, या सीड ऊपर कहते हैं इसको। ये देखें, यहाँ पे अगर आप डालेंगे तो दाना आएगा इसमें, दाने के लिए इस तरह लगेगा, ये चीज़ है इसकी। और अगर आपने पानी के लिए, तो ये थोड़ी सी स्पेस कम हो जाती है इसके लगने से। ये मिल जाएगा आपको कॉलोनी के लिए। हाँ, ये कैट एंड डॉग में भी यूज़ होता है फीड के लिए, कैट एंड डॉग वाले जो दोस्त हैं उनको भी यूज़ कर सकते हैं। ये 350 रुपये का दोस्तों, ये मिल जाएगा आपको। इसके अलावा जो भी मैं बात कर रहा था बड़े बर्ड में,
कि प्लास्टिक के बर्तन खा जाते हैं, उनमें स्टील बहुत ज़्यादा चलता है, स्टील के बर्तन काफ़ी चलते हैं, तो ये आपको स्टील के बर्तन मिल जाएंगे, ये अवेलेबल है। देखें ये सबसे बड़ा साइज़ है और बहुत अच्छी क्वालिटी में, मतलब हैवी वेट स्टील में है ये। ये 350 का है, ये उससे छोटा साइज़ है, ये 300 रुपये का है, अच्छी क्वालिटी में। और इसी तरह ये सबसे छोटा है इनमें, ये वाला सॉरी, अच्छी क्वालिटी में सबसे छोटा ये है, ये 250 रुपीज़ का है। ये एक सेट है, तीन एक जैसी क्वालिटी में, अच्छी क्वालिटी में। और उसके बाद रहता है ये, थोड़ी सी लो क्वालिटी में है लेकिन ये भी अच्छी चीज़ है, ये 200 रुपये का है, ये 170 का है और ये 150 का है। तो दोस्तों ये बर्तन थे मेरी शॉप पे जो अवेलेबल हैं, तो आप मुझे फ़ोन भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं इनको अगर मंगवाना है। आप मुझे कोशिश करें कि व्हाट्सएप करें, क्योंकि शॉप पे कोई ना कोई भाई खड़ा होता है तो टाइम नहीं दे पाता मैं। तो गुजारिश यही है आपकी कि आप व्हाट्सएप कर दें मुझे, उनका रेट पूछना है, उसकी डिटेल पूछनी है, व्हाट्सएप पे पूछ लें, उसके बाद आप मुझे पेमेंट लगवाएंगे, पेमेंट के बाद जो है मैं आपको उसको कुरियर करवा दूँगा। हाँ, कुछ दोस्त इस तरह के हैं जो कि कैश ऑन डिलीवरी चाहते हैं, तो उनके लिए मेरे दराज का लिंक मैं दे देता हूँ, लिंक नहीं शेयर कर पाया लेकिन लिंक शेयर कर देता हूँ, वो आपको कैश ऑन डिलीवरी मिल जाएगी, लेकिन वहाँ पे सिर्फ सिलेक्टेड आइटम है, क्योंकि द्रास की एक पॉलिसी है, उस पॉलिसी के मुताबिक हम लोग कुछ सिलेक्टिव आइटम द्रास पे डाली हुई है, तो वहाँ से भी आप मंगवा सकते हैं।